में प्रोवाइड करें, बल्कि ये अपने एक्सपेंस पे एक स्टैंडिंग आर्मी को रख सकता था। जब ये स्टैंडिंग आर्मी को रख सकता था तो ये किसी दूसरे किंगडम या एम्पायर के साथ वार में या पीस में या ट्रीटी में किसी भी तरीके का डिसीजन ले सकता था, यानी ये अपने आप में सोवरेन हो गया। उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट मोनार्क। इसका मतलब है एब्सोल्यूट मोनार्क फ्यूडल सोसाइटी में कौन है, जिसके पास एक स्टैंडिंग आर्मी है। और स्टैंडिंग आर्मी कैसे मेंशन की गई है, जो ट्रेड सरप्लस हुआ है, जो ट्रेड में सरप्लस रहा है उस ट्रेड सरप्लस के बेसिस पे। ये जो लुईस 14 है, ये पहला जो है मोनार्क बना जो एक्चुअल में इस स्टैंडिंग आर्मी को मेंटेन किया, और ये एक सोवरेन एब्सोल्यूट मोनार्क बना। एब्सोल्यूट का मतलब कि इसकी सोवरेनिटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता था, इसे क्वेश्चन नहीं कर सकता था। देखो पहले की अरेंजमेंट में क्या है, पहले के अरेंजमेंट में राजा एक तरीके से ना इन लोगों पे डिपेंडेंट था, क्योंकि इनकी ही आर्मी इनके ही एक्सपेंस पे ये जिंदा रहता था। अब उसे इनकी डिपेंडेंसी खत्म हो गई। यहाँ पे क्या हुआ कि एक्चुअल में जो सोसाइटी थी वो उस पे दो तरीके का कंट्रोल था। तो किंग ने क्या किया, जो किंग था जो राजा था यहाँ पे, उसने धीरे धीरे चर्च को भी डाउन किया। जो ये फ्यूडल लॉर्ड थे इनकी पावर को भी, जब इनके पास जो है इसके पास जब जो है अपनी स्टैंडिंग आर्मी आ गई, तो ये एक एक को धीरे धीरे इनको हटा के और पूरे के पूरे किंगडम पे डायरेक्ट रूल करने लगा। और फ्यूडल जो लॉर्ड थे उनके दिन जो है धीरे धीरे कम हो गए, मतलब इनकी पावर कम हो गई, और वैसे वैसे इस किंग की पावर बढ़ने लगी और वो चर्च से भी अपनी डिपेंडेंसी को कम करने लगा। अब इनकी डिपेंडेंसी चर्च को अगर और फ्यूडल लॉर्ड्स को हटाएगा तो फिर ये जो है शासन और सत्ता में किसे ले आएगा, तो वो शासन और सत्ता में थोड़ा बहुत मिडिल क्लास को मौका देने लगा। ये जो मिडिल क्लास थे ना, जो ट्रेड से उभरे हुए थे अर्बन सेंटर पे, इनको मौका देने लगा। तो इस तरीके से एक नई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हुई। तो यहाँ पे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में जो मैं आपको सबसे पहले बता रहा था कि एक क्लर्जी का क्लास था जिसे हम फर्स्ट स्टेट बोलते हैं, एक नोबेलिटी थी जिसे हम सेकेंड स्टेट बोलते हैं जो रूलिंग एलीट था, ये चर्च का एलीट था, और एक जो बिग बिजनेसमैन और ऑफिस होल्डर, स्मॉल फार्मर, ट्रेडर, फीजेंट, आर्टिसन, इन सबको मिला के ये थर्ड क्लास, ये थर्ड स्टेट था। थर्ड स्टेट में ही मिडिल क्लास आते थे और लोअर क्लास आते थे, ठीक है। अब यहाँ क्या प्रॉब्लम थी कि इस मिडिल क्लास के पास पैसे तो आ गए थे, इसने बिजनेस से पैसे तो कमा लिए थे, लेकिन जैसा कल मैंने आपको सोशल स्ट्रक्चर वाली वीडियो में बताया कि सोसाइटी अभी भी क्या थी, प्रिविलेज क्लास थी। अभी भी जो रूलिंग की पावर थी, जो रूल करने का पावर था, वो इस क्लर्जी क्लास और नोबिलिटी के पास था, क्योंकि ये हायरार्कियल बेस्ड सोसाइटी थी। ये मिडिल क्लास चाहता तो था कि इसे पार्टिसिपेट करवा जाए, पर इसे पार्टिसिपेशन नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे एक अरेंजमेंट की गई, एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट की गई। अरेंजमेंट ये था कि हर जो एक एक ग्रुप है इसके पास एक वोट होता था, ठीक है, इनके पास एक वोट होते थे, मतलब हर स्टेट एक एक वोट शेयर करता था। इसका मतलब है ये पूरे के पूरा जो क्लर्जी या चर्च है इसका एक वोट था, इस नोबेलिटी का एक वोट था, ये जो बिग बिजनेसमैन ऑफिस होल्डर हैं, स्मॉल ट्रेडर हैं, इन सबको मिला के इनका एक वोट था। तो अब जो रूलर है, जो मोनार्क है, मोनार्क एब्सोल्यूट तो है लेकिन इन सबको मिला के एक नेशनल असेंबली बनती थी। इन सबको मिला के यहाँ पे एक नेशनल असेंबली बनती थी, एक नेशनल असेंबली थी। एक्चुअल में मोनार्क इस पे डिपेंडेंट था, नेशनल असेंबली पे। अगर मोनार्क को कोई नया टैक्स चाहिए, अगर मोनार्क चाहता है किसी नए टैक्स को इंट्रोड्यूस करना,
किसी नए टैक्स को इंट्रोड्यूस करना, नया टैक्सेशन लगाना या टैक्स के रेट को बढ़ाना, तो उसे इन तीनों की जो है, इन तीनों की जिसे बोलते थे स्टेट जनरल, इनकी जो है वो मीटिंग बुलानी पड़ती थी और मीटिंग में वोटिंग होती थी। यहाँ वोटिंग हाउस के नंबर पे होती थी, जैसे क्लर्जी का एक वोट है, नोबेल्टी का एक वोट है और इस बिग, इस पूरे जो है थर्ड स्टेट का एक वोट है। तो जब वोटिंग होती थी तो जैसे मान लीजिए इसने एक नया टैक्स लगाया कि एक नया टैक्स हम लगा रहे हैं जो कि 5% 10% का है, इस टैक्स को बढ़ाया जाए या घटाया जाए, ठीक है, तो इस पे अब वोटिंग हो रही है कि इसको बढ़ाया जाए कि नहीं। तो मान लीजिए कि इसने जो है, ये जो थर्ड स्टेट है, इसने बोल दिया कि नहीं, क्योंकि टैक्स तो इन्हीं को देना होता था, जैसा मैंने कल आपको सोशल स्ट्रक्चर वाले वीडियो में बताया था कि एक्चुअल में टैक्स किसको देना पड़ता था, इस थर्ड स्टेट को, क्योंकि ये प्रिविलेज क्लास नहीं थे, इन लोगों को टैक्स देना पड़ता था। तो ये तो कह दिए कि नहीं, ठीक है, इन्होंने वोट कर दिया नो। और ये दोनों लोग जो क्लर्जी और नोबेल्टी है, ये चूंकि इनको जो है उस टैक्स से बेनिफिट होती थी, तो ये दो वोट दे देते थे और बोल देते थे यस ठीक है आप बढ़ा दीजिए। तो इसमें क्या इनको बेनिफिट पड़ती थी, इनको खुद तो टैक्स देना नहीं पड़ता था बल्कि टैक्स से प्रॉफिट होती थी। तो यहाँ पे वोट हो गया और इनके दो वोट पड़े, इनके एक वोट पड़े और दो वोट वाले विन कर गए और टैक्स बढ़ गया, ठीक है। और जब टैक्स बढ़ गया तो मोनार्क को फायदा हो गया, इस वजह से मोनार्क इन नोबेलिटी को जो फ्यूडल लॉर्ड है और इस क्लर्जी को टॉलरेट कर रहा था, इन्हें बर्दाश्त कर रहा था, क्योंकि ये जो चलाकी भरा जो अरेंजमेंट था इससे इन्हें बेनिफिट मिलता था, इसलिए इनको झेल रहा था। एक्चुअल में सत्ता में हमेशा ये होता है ना, कोई भी जहाँ पे पावर स्ट्रगल होता है, चाहे आज की डेट में कोई अकेले खाना चाहेगा तो उसके ऊपर क्वेश्चन हो जाते हैं, इसलिए वो मिल के खाते हैं। तो यहाँ भी ऐसा है, ये मोनार्क अगर अकेले खाता तो सब लोग इस पे क्वेश्चन करते, तो इसने थोड़ी बहुत हड्डियाँ इनको बांट रखी थी, इस क्लर्जी को और नोबेल्टी को, और ये तीनों माइनॉरिटी ही थे, ठीक है, ये तो एब्सोल्यूट मोनार्क कुछ नोबेल्टी का पार्ट था। तो इस तरीके से वोटिंग होती थी। अब जब फ्रेंच रेवोल्यूशन की इवेंट जब हम पढ़ते हैं, उस समय क्या हुई, उस समय जो है ये जो जो आपको बताया, ये लुईस 14, इसकी डेथ के बाद एक नया किंग बनता है लुईस 16 अभी 20 साल का था, ठीक है। और जब ये यहाँ किंग बनता है, जो आपका ईयर है ये देखिए 1779 है। इससे पहले फ्रांस ने क्या किया कि अमेरिका में एक लड़ाई छिड़ी हुई थी, जिसमें जो है जो अमेरिकन कॉलोनियाँ थे वो अपने कॉलोनाइजर ब्रिटेन के खिलाफ वार में गए थे। अब वहाँ पे फ्रांस ने ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिकन की हेल्प की वार ऑफ इंडिपेंडेंस में, जो 1776 में हुआ, ये 79 है, 3 साल पहले इससे। तो 1776 में उसमें हेल्प किया ब्रिटेन के खिलाफ और अमेरिकन उस वार को जीत गए, उसी को अमेरिका का वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं। लेकिन वार तो ये जीता दिए फ्रांस ने, इसकी वाहवाही भी हुई, लेकिन इसकी वजह से इनका जो सरकारी खजाना था, इनका जो पैसा था वो सारा वहाँ खर्च हो गया। अब पैसा जब खर्च हो गया तो यहाँ पे नया राजा बना था लुईस 16, लुईस 16 को खजाने में बिल्कुल पैसा नहीं था, सरकार चलाना मुश्किल हो रहा था, इवन खर्चा इतना ज़्यादा था कि उस पर 10% का टैक्स मिल रहा था। एक्चुअल में इनके पास उतना पैसा नहीं था कि लड़ाई में जाए, तो इन्होंने इन मिडिल क्लास वाले लोगों से पैसे उधार ले रखे थे, इनके पास पैसे बहुत आ गए थे ट्रेड की वजह से ना, इनके पास पैसे इतने थे कि ये राजा को भी उधार दे रहे थे, लेकिन सत्ता में हिस्सेदारी नहीं थी। सत्ता में हिस्सेदारी क्यों नहीं थी, क्योंकि एक रूल था ना उस समय का सोसाइटी कि जिसके पास प्रिविलेज नहीं है वो राजा नहीं बन सकता या ब्यूरोक्रेसी में उस समय जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो इनको बुरा लगता था
कि हमारे पैसे से देश चल रहा और हमको ही मौका नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमेशा प्रेशर करते थे लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि अरेंजमेंट यही थी। तो ये पैसे कमा रहे थे लेकिन इनके पास वो जो एक तरीके का रिस्पेक्ट होना चाहिए, जो पोजीशन होना चाहिए, जो प्रिविलेज होना चाहिए, वो नहीं था, कोई राइट नहीं था। तो हुआ ये कि लुई सिक्सटीन जो है, जो लुई सिक्सटीन जो 20 साल का भी चाइल्ड किंग था, उसे उसके जो है ब्यूरोक्रेट्स ने, उसके मिनिस्टर ने एडवाइस किया कि हमें टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। अब जब टैक्स बढ़ाना होगा तो जैसा मैंने अरेंजमेंट बताया कि अगर टैक्स बढ़ाना चाहते हो तो नेशनल असेंबली या स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ेगी, और अगर इसकी मीटिंग बुलाई जाएगी तो इस तरीके से ये तीनों वोट करेंगे नए टैक्स पे, जैसा मैंने बताया। तो इसने मजबूरी में इसकी मीटिंग बुलाई। ये मीटिंग कई सालों बाद बुलाई गई। इस मीटिंग को नहीं बुलाया जाता था ताकि इस मिडिल क्लास को अपनी बात कहने का मौका न मिले। एक्चुअल में मोनार्क बचने की कोशिश करता था, वो इनके पैसे के बगैर भी नहीं रह सकता था और इन्हें इस सोसाइटी में जगह भी नहीं दे पा रहा था। तो जब इसने मीटिंग बुलाई और नए टैक्स के लिए यहाँ वोटिंग होने लगी, तो राजा ने, जो किंग था, जो लुईस 16 था, उसने नए टैक्स का प्रपोजल रखा और प्रपोजल में इन दोनों ने इसके फेवर में वोट किया, और इसने जो है ये जो थर्ड स्टेट है, इसने जाहिर सी बात है ये नो ही बोलेगा, इसने जो है इसके अगेंस्ट में वोट किया। तो राजा नए टैक्स को पास करवाना चाहता था। यहाँ पे इस थर्ड स्टेट के लोगों ने एक तरीके से इस बात को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि एक्चुअल में वोट ऐसे नहीं हो कि एक एक हाउस के एक एक वोट दिया जाए, बल्कि वोट हमारे नंबर के बेसिस पे दिया जाए। कहने का मतलब ये 90% हैं तो हर आदमी को एक वोट दिया जाए, हेड को काउंट किया जाए, एक एक आदमी को, सर को काउंट किया जाए। तो अगर एक एक आदमी को काउंट करते तो यहाँ तो 90% है और ये जो है बहुत कम थे, 10% है। तो जाहिर सी बात है तब वोटिंग में ये जो है विन करते, और अगर ऐसा होता तो ये टैक्स को बढ़ाने नहीं देते। और ऐसा करने का मतलब है सबको इक्वलिटी देना, जो उस समय सोसाइटी के हिसाब से था नहीं। तो राजा इसके लिए माना नहीं, जो किंग था वो इसके लिए माना नहीं कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो पहले से चला रहा वही होगा। तो उसके जो है उसके अपोज में है ना, उसके एक तरीके से इसके इस प्रपोजल को, जब मोनार्क के प्रपोजल को थर्ड स्टेट नहीं माना तो थर्ड स्टेट ने इसके बायकॉट कर दिया, इस वोटिंग का बायकॉट कर दिया, और बिना इनके वोटिंग नहीं हो सकती थी। और फिर ये लोग एक अपनी नेशनल असेंबली बनाए और उसमें हर आदमी को एक वोट दे के फिर से वोटिंग कराए। इसको हम बोलते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। एक्चुअल में चेंज ये हो रहा था कि यहाँ जो ज़्यादातर लोगों को वोट दिया गया उनके हेड के लेवल पे, उनमें उनकी क्लास को, वो किस ग्रुप से आते हैं, किस स्टेट से आते हैं, प्रिविलेज को नहीं रखा गया बल्कि इक्वलिटी का प्रिंसिपल यूज किया गया। वो चीज़ मैं बाद में दिखाऊंगा। अभी जो आज का टॉपिक था, जो मैं आपको बताना चाह रहा था बेसिकली कि यहाँ पे क्या थी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, उसे मैंने आपको यहाँ समझाया। क्योंकि मैंने बोला है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हम क्या देखना चाह रहे हैं कि जैसे आपको समझाया कि रेवोल्यूशन से पहले एक अरेंजमेंट है तो एक सोशल स्ट्रक्चर था, ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। रेवोल्यूशन के बाद ये क्या बदलेगा वो मैं बाद में दिखाऊंगा, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप समझ जाएं कि टोटल हमने क्या पढ़ा। देखिए, जैसा आपको बताया कि उस समय जो सोसाइटी थी, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, उसमें जो सोसाइटी थी उसमें एक क्लर्जी थे, ये चर्च के लोग होते थे, नोबेलिटी थे जो रूलिंग एलिट थे, और बिग बिजनेसमैन, ऑफिस होल्डर, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, ये एक स्टेट थे। इन सबकी एक एक वोटिंग पावर थी। देखिए, पहले जो सोसाइटी थी वो एक किंग जो है उसकी किंगडम जो है छोटे छोटे माइनोरियल स्टेट में बटी हुई थी।
इन स्टेट पे जो रूल था वो फ्यूडल लॉर्ड का था, ये फ्यूडल लॉर्ड इस पे जो है रूल करते थे, और इनको जो है रूल करते थे के मतलब यहाँ पे ये यहाँ पे खेती करवाते थे किससे, इन थर्ड स्टेट के जो ये स्मॉल पीजेंट और ट्रेडर्स हैं, तो ये क्या करते थे, ये छोटे किसान और दस्तकार यहाँ पे जो कुछ प्रोड्यूस करते थे उसका टैक्स ये कलेक्ट करते थे, थोड़ा अपने पास रखते थे, थोड़ा किंग को देते थे, थोड़ा चर्च को देते थे। इस व्यवस्था को हम फ्यूडलिज्म बोलते हैं, फ्यूडल अरेंजमेंट बोलते हैं। इसमें किंग के पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो एक स्टैंडिंग आर्मी रख सके और वो अपने फ्यूडल लॉर्ड पे कंट्रोल कर सके, क्योंकि जब राजा को खुद ज़रूरत पड़ती थी सेना की तो आर्मी की, तो वो ये फ्यूडल लॉर्ड ही उसे सप्लाई करते थे, क्योंकि इनको ज़मीन ही इसी शर्त पे दी गई थी कि आप एक आर्मी मेंटेन करेंगे और जब राजा को ज़रूरत होगी तो वैसे रखेगा। राजा का काम था कि इस ऑर्डर को मेंटेन करना, ये जो प्रिविलेज क्लास का ऑर्डर था इस ऑर्डर को मेंटेन रखना, इस ऑर्डर में जब डिस्टर्ब होगा तो राजा उसे सही कर देता था, ठीक है। अब हुआ ये कि 1500 टू 1700 के बीच में बहुत सारी जियोग्राफिकल डिस्कवरीज हुई और बहुत सारा अर्बन डेवलपमेंट हुआ, जैसे ये ब्लू डॉट मैंने अर्बन सेंटर को बताए हैं, तो किंगडम के अंदर ही बहुत सारे अर्बन सेंटर बन गए जिससे ट्रेड होने लगा। ट्रेड में एग्रीकल्चर से ज़्यादा प्रोडक्शन होता था, इस वजह से इसका टैक्स अमाउंट ज़्यादा था। ये टैक्स अमाउंट इन मेनोरियल स्टोर को न जाके डायरेक्ट किंग को जाता था, किंग की प्रॉफिट बढ़ने लगी और जो लोग ट्रेड करने लगे उनकी भी प्रॉफिट बढ़ने लगी। ट्रेड करने की वजह से एक नया क्लास आया जिसे मिडिल क्लास बोलते हैं, जो न तो इस तरीके से किसान था और न इस तरीके से प्रिविलेज क्लास था, ये पढ़ा लिखा क्लास था, जागरूक था, है ना, इसको अपनी समझ थी, इसके पास पैसे थे, बस सोसाइटी में इसकी पोजीशन नहीं थी क्योंकि इसके पास कोई बर्थ राइट नहीं था, प्रिविलेज नहीं था। इसके पैसे इतने ज़्यादा थे कि किंग स्टैंडिंग आर्मी रखने लगा और इन फ्यूडल लॉर्ड्स को एक एक करके वो सप्रेस करता गया, इनके नंबर को वो कम करता गया, इन पे कंट्रोल करने लगा, और तब हम किंग को बोलने लगे मोनार्क, एब्सोल्यूट मोनार्क, जैसे कि लुई 14 था। और फिर मैंने बताया कि यहाँ पे अब ये जो एब्सोल्यूट मोनार्क जिसके पास स्टैंडिंग आर्मी थी, जो ट्रेड सरप्लस को यूज करता था, ये अपने आसपास के लोगों से अब खुद जो है लगातार वार में उलझा हुआ था, जैसे कि इंग्लैंड के साथ। अब इंग्लैंड के साथ जब ये वार में उलझा हुआ था तो इसको लगातार पैसे की ज़रूरत पड़ती थी, और पैसे कैसे लाए जाए, टैक्सेशन कैसे किया जाए, तो पुराना टैक्स तो ये लोग दे ही रहे थे थर्ड स्टेट के, अगर नए टैक्स की ज़रूरत पड़ती थी तो एक वोटिंग कराई जाती थी तीनों की, तीनों के पास एक एक वोट थे, तो जाहिर सी बात है ये दोनों लोग जिनको खुद टैक्स नहीं देना होता था ये वोटिंग में हमेशा मोनार्क के फेवर में करते थे और ये उसके अगेंस्ट में करते थे, और हर बार टैक्सेशन पास हो जाता था। ये जो लुईस 14 था इसके टाइम तक ये व्यवस्था चलती रही, इसके डेथ के बाद लुईस 16 बना जो कि अभी एक चाइल्ड किंग था, सिर्फ 20 साल का था, और इसी समय अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, फ्रांस ने ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका को हेल्प किया जिससे इसके इसमें इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई। इस क्राइसिस के बाद यहाँ इसको पैसे की ज़रूरत थी और पैसे की ज़रूरत के लिए फिर से ये वोटिंग करवाना चाहते थे। अब वोटिंग अगर उसी आधार पे होती, इस वोटिंग का मतलब समझ रहे हैं, ये प्रिविलेज वोटिंग है। आज जो वोटिंग होती है उसमें ऐसा थोड़े है कि एक ग्रुप को एक वोट मिलता है, जैसे आज आप देखिए ना जिनके नंबर ज़्यादा हैं डेमोक्रेसी में उसका मतलब होता है, यहाँ सबको इक्वल दिया गया है, एक एक वो है ना, तो इसमें जो है, और ऊपर से इन लोगों को टैक्स भी नहीं देना होता था, तो इस टाइप का पॉलिटिकल अरेंजमेंट फ्रांस में चल रहा था बिफोर रेवोल्यूशन। अब हम इकोनॉमी के मॉडल को देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, फिर आपको कल्चर, इकोनॉमी और कल्चर एक में करेंगे, उसे मैं एक साथ बताऊंगा नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, और फिर आफ्टर रेवोल्यूशन क्या चेंज हुआ उस चीज़ को समझाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एक को समझ गए तो आप बाकी भी समझने लगेंगे। आप देखिए और बताइए लेक्चर कैसा है। थैंक यू।